स्वागत है दोस्तों, टिक्स का अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी क्या इसमें अंतर है, लोकसभा या राज्यसभा में क्या क्या अंतर है, क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती है। सुनने में कभी कभी लगता है कि दोनों एक ही हैं लेकिन बिल्कुल अलग है। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। चलिएगा तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो अगर अनुच्छेद का ही चर्चा अगर किया जाएगा कि अनुच्छेद क्या क्या है, तो दोनों का तो सबसे पहले अनुच्छेद ही अलग है। तो सबसे पहले देखिएगा कि अनुच्छेद इसका क्या है, यानी लोकसभा का अगर चर्चा किया जाएगा तो अनुच्छेद 81 में चर्चा किया हुआ है, लेकिन अगर राज्यसभा का चर्चा किया जाएगा तो अनुच्छेद 80 में चर्चा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर लोकसभा का कहा जाएगा तो 81, राज्यसभा का कहा जाएगा तो 80। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि क्या अंतर है। तो प्रत्यक्ष मतदान होता है, लोकसभा के लिए क्या होता है, प्रत्यक्ष मतदान होता है, लेकिन राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष मतदान होता है। तो प्रत्यक्ष मतदान और अप्रत्यक्ष मतदान में क्या विभिन्नताएं पाई जाती है इसको देख लीजिएगा। अगर डायरेक्ट अगर जनता अगर भाग लेती है तब उसको प्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है, लेकिन जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि अगर भाग लेता है तब उसको अप्रत्यक्ष मतदान कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें अप्रत्यक्ष मतदान की पद्धति को अपनाया जाता है। जैसे आप अगर लोकसभा का इलेक्शन जब होता है तो उसमें आप वोटिंग करते हैं, लेकिन राज्यसभा में आप नहीं वोटिंग करते, आपका चुना हुआ व्यक्ति वहां पे जा करके वहां वोटिंग करता है। जैसे आप विधायक को चुनते हैं लेकिन राज्यसभा के लिए विधायक वहां पे वोटिंग करते हैं, तो आपका चुना हुआ प्रतिनिधि वहां पे वोट कर रहे हैं, इस वजह से वहां अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। लेकिन आप अगर जाकर के वोट करते हैं तब उसको प्रत्यक्ष मतदान उसको कहते हैं, समझे। तो प्रत्यक्ष मतदान और अप्रत्यक्ष में ये डिफरेंसेस है। उसके बाद देखिएगा कार्यकाल में भी अंतर है। तो अगर कार्यकाल की अगर बात अगर किया जाएगा कि लोकसभा का कितना होता है तो ये 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का अगर चर्चा किया जाएगा तो राज्यसभा का कार्यकाल होता ही नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका कार्यकाल नहीं होता है। लोकसभा का तो कार्यकाल होता है लेकिन राज्यसभा का नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है और कितना होता है, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना, 6 वर्ष का होता है, उसको भी हम देखेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक जो होता है 2 वर्षों पर 1/3 जो राज्यसभा का जो सीट है वो क्या होता है, खाली होता है। राज्यसभा का सीट एक बार पूरा का पूरा नहीं खाली होता है, लेकिन लोकसभा का जो होता है वो क्या होता है, तो एक बार पूरा का पूरा सीट खाली होता है, वैकेंट होता है, फिर से इलेक्शन होता है, पूरा का पूरा नया चुन करके आते हैं। लेकिन राज्यसभा में यह कंडीशन नहीं है। राज्यसभा में होता है प्रत्येक 2 वर्षों के बाद इलेक्शन होता है, और 1/3 जो सीट है वो क्या होता है, हर 2 साल के बाद वहां पे आता है। और इसका जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। तो सदस्यों का कार्यकाल में आप ध्यान रखिएगा अंतर है और सदन का कार्यकाल अंतर है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा कि यह संसद का कौन सा हिस्सा है, तो निचला सदन है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यह क्या, तो ऊपरी सदन है, ऊपरी सदन है। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो बुजुर्गों का सदन के भी नाम से किसे जाना जाता है, तो राज्यसभा को ऊपरी सदन या बुजुर्गों का सदन भी इसको कहा जाता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि लोकसभा को क्या किया जाता है, भंग किया जा सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। प्रधानमंत्री की सहयोग से राष्ट्रपति करते हैं लोकसभा को भंग करते हैं, कौन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत, 85 के तहत। लेकिन ध्यान रखिएगा राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी अंतर है। उसके बाद ध्यान रखिएगा लोकसभा का निर्वाचन हेतु जो उम्र है वो कितना होना चाहिए, कम से कम न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, किसके लिए, तो लोकसभा के लिए। लेकिन यही अगर राज्यसभा की चर्चा अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा 30 वर्ष होता है, यानी राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा 30 वर्ष होना चाहिए, तो ये भी बहुत बड़ा अंतर है। उसके बाद ध्यान रखिएगा मंत्रिपरिषद क्या होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद जो जितना भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें लोकसभा आप लगाइएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिएगा ध्यान रखेगा कि गठन की अगर चर्चा किया जाएगा तो लोकसभा का जो गठन हुआ था तो 17 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था, तो लोकसभा का गठन हुआ था। यही अगर राज्यसभा की चर्चा अगर किया जाएगा गठन का, तो 3 अप्रैल 1952 को जो हुआ था वो क्या हुआ था, तो राज्यसभा का गठन हुआ था। लेकिन इसमें भी दोनों में कुछ कुछ कॉमन जो पाया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेगा, दोनों संसद का यानी दोनों संसद का हिस्सा है, समझे। संसद में क्या क्या होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों मिलकर के संसद का निर्माण कर, जिसमें 2 सदन होता है, एक होता है लोकसभा और एक
होता है राज्यसभा, समझे, तो दोनों सदन होता है। तो ये कॉमन है कि यानी संसद का सदन दोनों है, दोनों में कोरम जो होता है वो 1/10 होता है, कुल सदस्यों का 1/10 जो होता है वो कोरम होता है, समझे। तो इस तरीके का बहुत अच्छी जानकारी मैं प्रतिदिन आप लोग के लिए एक वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा, समझे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जाकर के जरूर बताएं, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन इस तरीके का वीडियो लाते रहूंगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।